सो so, आज के क्लास में हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर विद कार्टेजियन कोऑर्डिनेट देखा जिसमें हम लोगों ने एलेक्स एल वाई और एल जेड तीनों कंपोनेंट्स को फाइंड किया आज के क्लास में हम लोग इसी को हम लोग स्फेरिकल पोलर कॉर्डिनेट थीटा फाइव के रिस्पेक्ट में कैसे हम लोग फाइन कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे सो द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर द एंगुलर मोमेंटम Operators in spherical polar coordinate system spherical polar coordinates R comma theta comma phi can be derived. From the respective operators in Cartesian coordinate, Cartesian coordinates. That is X, y, Z. हम लोग फाइन कर सकते हैं आर्टिटा फाइन सो वी हैव द रिलेशन हम लोग जानते हैं कि कार्टेजियन कॉर्डिनेट और पोलर कॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है हमारा वो है एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइ वाईज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइ एंड जेड इज इक्वल टू

लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन अगर हम लोग तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आएगा ये काफ़ी इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसलिए इस पर कुछ हम लोग फाइन ये है नहीं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर अगर हम लोग फाइन करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटर कॉस स्क्वायर फाइव उसी तरह से अगर वाई स्क्वायर फाइन करें तो हमारा ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव फिर इस दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा एंड देन लास्ट में जब जेड स्क्वायर करेंगे तो इसमें हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर हो जाएगा सो दैट मीन्स आर इज इक्वल टू रूट ऑवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नैक्स्ट वी कैन फाइंड फ्रॉम दीज थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन सी से कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड बाई आर एंड टेन फाइव टेन फाइव अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करें इस दोनों को डिवाइड करें दिस डिडेड मतलब आर साइन थीटा साइन फाइ डिड बाई आर साइन थीटा कॉस फाइ दैट विल भी इक्वल टू वाई बाई एक्स सो यहाँ से आर आर कैंसिल साइन थीटा कैंसिल साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टेन फाई सो वी कैन राइट टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लेट दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर इसको लो हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री और फोर हम लोग यहाँ पे मानेंगे ठीक है नेक्स्ट uh, हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई एंड डो बाई डो जेड इन टर्म्स ऑफ आर थीटा सो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ऑल दिस क्वांटिटीज एंड देन उसके बाद फिर हम लोग uh, उसके कॉम्पोनेंट्स को फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन फॉर डो बाय डो एक्स डो डो वाई एंड डो बाई डो जेड इन टीटा एंड के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका वैल्यू फाइन करने जा रहे हैं सो so, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे एक्सप्रेशन फॉर डो बाय डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड इन टर्म्स ऑफ आर ईटा फाइव के रिस्पेक्ट में फाइन करने जा रहे हैं तो so, सबसे पहले हम लोग एक कोई कोडिनेट फाइन करें सो लेट यू is a function of r theta phi so let u is a function of r theta and phi u function r theta or phi so the according to the rules of partial differentiation uh, according to partial differentiation rule partial differentiation we have डो यू बाई डो एक्स अगर हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यू जो है आर ठीटा फाई तीनों का फंक्शन है सो वी कैन राइट डो यू बाई डो आर फर्स्ट इट इज आर एंड अगेन वी कैन राइट डो यू बाई डो ठीटा डो ठीटा बाई डो एक्स एंड देन डो यू बाई डो फाई, फाई बाई डो एक्स इस तरह से हम लोग इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अब यू हैव टू अब हमको फाइंड करना है ये सारे वैल्यूज हमारे क्या क्या होंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फाइव और हमको ये वैल्यूज फाइन करने हैं डो आर बाई डो एक्स का वैल्यू क्या होगा डो ठीटा बाई डो एक्स का वैल्यू क्या होगा और डो फाइव बाई टू एक्स का वैल्यू क्या होगा ठीक है तो एक, एक करके हम लोग फाइन करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो इक्वेशन नंबर टू है उसको यूज करेंगे सो फ्रॉम टू फ्रॉम इक्वेशन टू डिफ्रेंसीटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इधर हमारा क्या इक्वेशन टू हमारे क्या है आर इज इक्वल टू रूट ऑवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सो हमको डो आर बाई डू एक्स चाहिए तो ये हम लोग हो जाएगा इधर डो आर बाई डू एक्स इज इक्वल टू अब ये रूट है तो रूट का हम लोग एक काम करते हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो हम लोग इजिली ये सॉल्व हो जाएगा सो so, अगर इसको स्क्वायर करें तो दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो काफी इजिली सॉल्व हो जाएगा तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू आर एंड आर का डिफेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डू आर बाई टू एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज टू एक्स एंड वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफेंशिएशन जीरो सो यहाँ से हमारा डो आर बाई डो एक्स दोनों तरफ से टू और टू कैंसिल हो जाएंगे सो इज इक्वल टू एक्स बाई आर ओके नाउ एक्स का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है हमारा पोलर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है आर साइन थीटा कॉस फाइव सो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सो so, ये हो जाएगा आर आ, एक्स का वैल्यू हमको सब्स्यूट करना है आर साइन थीटा कॉस फाइव आर साइन थीटा कॉस फाइव डिवाइडेड बाय आर सो यहाँ से आर और ये आर कैंसिल सो वी लेफ्ट विथ ये 2r आर बाई डू एक्स का वैल्यू है सो 2r आर बाई डू एक्स इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे साइन थीटा कॉस फाइव ठीक है लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स ओके नाउ डिफेंसिएटिंग हम लोगों ने इस तरह इसलिए फाइन किया था इक्वेशन नंबर टू इसलिए अब यहां पे पता चल रहा है क्यों हमने आर कॉस और टेन फाइव फाइन किया अब इक्वेशन नंबर थ्री को हम लोग डिफेंसिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो डिफेंसिएटिंग डिफेंसिएटिंग इक्वेशन थ्री रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन थ्री हमारा क्या है इक्वेशन थ्री है हमारा थीटा इज इक्वल टू सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इधर पहले लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू ओके सो कॉस थीटा का डिफेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड देन थीटा का डिफ्रंशिएशन हो जाएगा डो ठीटा बाई डो एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं अब जेड बाई आर तो जेड का तो कांस्टेंट है जेड रहेगा आर जो है वो एक्स वाई जेड मतलब आर का होगा, सो so हो so so uh, दोनों तरफ से माइनस माइनस हम लोग कैंसिल कर देंगे सो so जेड का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जेड का वैल्यू है वो हमारा आर कॉस्टिटा साइन थीटा ओके डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और अभी हम लोगों ने डू आर वैल्यू फाइंड किया ये था साइन एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसको सॉल्व, एक ही बार फिर हम लोग सोल्व ना करें हमारा जेड का वैल्यू क्या है पहले ऊपर देख लें जेड का वैल्यू है हमारा आर कॉस्टा तो इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे आर कॉस्टिटा डिडेड बाई आर स्क्वायर और डू आर बाई डू एक्स का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया साइन थी हमारा एक आर और एक यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा आ, दो थीटा बाय डो आर और इधर से एक साइन थीटा भी कैंसल होगा तो यह साइन थीटा और यह साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा So, हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा ये हो गया डो थीटा बाई सो डो थीटा बाई डो एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई आर ठीक है लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेवन अब हमको कॉस टो फाइव बाई डो एक्स चाहिए इसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर फोर को यूज करेंगे जो है टेन फाइव इज इक्वल टू वाई बाई एक्स

y तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बाई एक्स तो कोई यहाँ पर रहने नहीं है नाउ नेक्स्ट इज हम लोग वाई का वैल्यू पुट करेंगे वाई का वैल्यू होता है माइनस तो रहेगा ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाइ एंड देन उसके बाद हम लोग पुट करेंगे एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाइव स्क्वायर चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके सो ये हो जाएगा हमारा डो फाई बाई डो एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय स्क्वायरिंग दिस तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव और सेक स्क्वायर फाइव इधर आ जाएगा सो so, ये हो गया सेक स्क्वायर फाइव और हम लोग जानते हैं कि कॉस कॉस फाइव इंटू सेक फाइव इज इक्वल टू वन हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट कॉस फाई इंटू सेक इज इक्वल टू वन तो अगर स्क्वायर भी कर देंगे तो उसका भी वैल्यू वन होगा सो so, ये क्वांटिटी जो है इसका वैल्यू हमारा वन हो गया यहाँ से एक आर एक आर कैंसिल साइन से एक साइन कैंसिल So, हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा आर साइन थीटा लेट दिस इज इक्वेशन नंबर एट ये हमारा इक्वेशन नंबर एट हो गया नाउ हम लोग क्या किए इक्वेशन नंबर सेवन सिक्स सेवन और एट जो हम लोगों ने फाइंड किया है सारे वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फोर में जो हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन किया है यहां पे हम लोग सबके वैल्यूज को सब्स्यूट करेंगे सो नाउ सब्स्यूटिंग नाउ सब्स्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन Six, seven, eight इन इक्वेशन five. इक्वेशन five में सबके वैल्यूज को पुट करेंगे सो so, do u by do x हमारा हो जाएगा Do u by do x जो हम लोगों ने find किया था इक्वेशन नंबर five में Do u by do x. अब यहाँ do u by do r तो रहेगा बाकी सारे वैल्यूज का हम लोगों को पुट करना है So, हमारा था डीएक्स बाई डी डो आर बाई डीएक्स इसका वैल्यू हम लोग साइन थीटा कॉस फाइ निकाला था तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा कॉस फाइ डो यू बाई डो आर प्लस फिर नेक्स्ट उसके वैल्यूज को पुट करेंगे कॉस थीटा कॉस फाइ डिवाइडेड बाई आर डो यू बाय डो थीटा प्लस सॉरी नेक्स्ट वाला टर्म हमारा माइनस है So, ये माइनस हो जाएगा सो so, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा डो यू बाई डो फाई ठीक है अब इसमें हम लोगों में सब में यू कॉमन है सब में हम लोग यू कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा कॉस फाई डो बाय डो आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर डो बाय डो थीटा हम लोगों ने ऑपरेटर बना दिया इसे साइन फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा डो बाय डो फाई एंड टेकिंग यू एज ए फंक्शन यू को हम लोग यहां से बाहर निकाल लेते हैं सो डो यू बाय डो एक्स का वैल्यू ये हो गया सो दोनों तरफ से अगर यू को हम लोग चेंज कर दें तो so, हमारे पास वैल्यू हो जाएगा डो बाय डो एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाइ दोनों तरफ से यू यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यू है यहाँ पर यू है सो so, कॉस फाइ डो बाय डो आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर डो बाय डो थीटा माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय आर थीटा डो बाय डो फाइव ये हमारा डो बाय डो एक्स का वैल्यू हो गया लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर नाइन इसी तरह से हम लोग वाई और जेड कॉम्पोनेंट को भी फाइन कर सकते हैं तो चेन रूल से हम लोग फाइन कर सकते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली सिमिलरली वी कैन राइट ऑल अदर वैल्यूज सो डो बाई डो वाई ये हमारा आएगा कैलकुलेट करने पे साइन थीटा साइन फाई इसको याद रखना पड़ेगा काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर एक एक करके हम सारे सॉल्व करने जाए डो बाई डो आर प्लस कॉस थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय आर डो बाय डो थीटा प्लस कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा dou by dou phi. Let this is equation number 10. And the last one is dou by dou z is equal to cos theta dou by dou r minus sine theta divided by r dou by dou theta. Let this is equation number 11.

we have first we will find lx component so component first one is component lx of the orbital angular momentum orbital angular momentum in terms of इन टर्म्स ऑफ spherical पोलर coordinate, spherical पोलर coordinates, ठीक है सो so, हम लोग फाइन करने जा रहे हैं एलेक्स एलवाई तो हम लोग ने पिछले कंपोनेंट में फाइन किया था कि एक्स कंपोनेंट हमारा क्या क्या था आई एच क्रॉस जो हमारे फॉर्म में निकाला था वाई डो बाई डो जेड माइनस जेड टाइम्स डो बाई टो वाई ये हम लोगों ने फाइन किया था अब ये जो हमारा डो बाई डो जेड है और डो बाई डो वाई हम लोगों ने ऊपर में कर लिया है इसका वैल्यू हम लोग फाइन कर लेंगे उसे पुट कर देंगे और उस तरह से वाई और जेड का स्पेरिकल कॉर्डिनेट में जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे सो हमारे पास हो जाएगा देअर फोर एल एक्स थोड़ा सा लेंदी है सो एल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस वाई के जगह पे हम लोग स्पेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम में आर साइन थीटा साइन फाइ एंड देन कॉस थीटा डो बाय डो आर माइनस आर ये हम लोग लिख रहे हैं डो बाय डो जेड को साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर डो बाय डो थीटा नेक्स्ट हम लोग जेड के वैल्यू को लिख रहे हैं जेड का वैल्यू है आर कॉस थीटा एंड देन डो बाय डो वाई का वैल्यू है हमारा साइन थीटा साइन फाई डो बाय डो आर प्लस कॉस थीटा डो बाय डो वाई ना सो हम लोगों ने साइन थीटा साइन फाइ डो बाय डो आर साइन थीटा कॉस फाइ बाय साइन थीटा एक मिनट हाँ कॉस फाइ कॉस थीटा कॉस थीटा साइन फाइ कॉस थीटा साइन फाइ डिवाइडेड बाय आर डो बाई डो ठिटा एंड द लास्ट वन इज कॉस फाइव कॉस फाइव डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा डो बाई डो फाइव ये हम लोगों ने सारे वैल्यूज को लिखा इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हम लोग का रहेगा एल एक्स कैप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई पहले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, सो so ये हो जाएगा कॉस थीटा डो बाय डो आर ओके नेक्स्ट टर्म ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस आर आर कैंसिल सो साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइ डो बाय डो थीटा नेक्स्ट ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा माइनस आर साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन फाइ डो बाय डो आर फिर नेक्स्ट ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर आर कैंसिल सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाइ डो बायो थीटा और ये फिर ये वाला माइनस टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर आर कैंसिल सो so ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म माइनस कॉस थीटा कॉस फाइ डिवाइडेड बाय साइन थीटा डो बायो फाई ये हम लोगों ने टोटल टर्म्स को लिखा सो so, इस तरह से हम लोग एलेक्स को लिख सकते हैं कुछ और भी टर्म में इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन uh, करेंगे क्योंकि हम लोग टर्म्स uh, को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना जरूरी है तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे जो डो बाय डो थीटा का टर्म एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है डो बाय डो आर का टर्म एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ये सारे को अरेंज करके लिखना होगा सो ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइ डो बाय डो थीटा अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये दोनों टर्म सेम है सो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे ओके वी लेफ्ट विथ टर्म सो साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइ डो बाय डो थीटा और उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई डो बाय डो थीटा और लास्ट वन इज माइनस कॉस थीटा कॉस फाइ डिवाइडेड बाय साइन थीटा डो बाय डो फाई ये हम लोगों ने फाइंड किया अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं सो ये हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस तो साइन फाइ डो बाय डो थीटा कॉमन माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नेक्स्ट इज कॉस थीटा कॉस फाइ डिडेड बाई साइन थीटा डो बाई डो फाइव सो हमारे पास हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन दिस इज इज इक्वल टू माइनस और अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस साइन फाइव डो बाई डो थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस फाइ डिडेड बाई साइन थीटा डो बाय टो फाइव सो ये हमारा हो गया एलेक्स कॉम्पोनेंट दैट इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ऑरबाइटल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी तरह से हम लोग बाकी को भी फाइन कर सकते हैं सो so, ये तो अपने से भी सॉल्व किया जाता है हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट को यहाँ पर लिख रहे हैं ये इसको डायरेक्टली हम लोग और डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं करने के लिए सो so, सिमिलरली ये हम लोग अपने से भी बना सकते हैं सिमिलरली वी कैन राइट एल वाई एंड एल जेड सो एल वाई और एल जेड को कैसे फाइंड करके हम लोग लिखेंगे सो so, एलवाई का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो सिंस एल वाई कैप इज इक्वल टू आई एच क्रॉस ये आई एच क्रॉस होता है सॉरी माइनस आई एच क्रॉस जेड डो बाई डो एक्स माइनस एक्स डो बाई डो जेड तो दोनों का वैल्यू सभी के वैल्यू जेड का वैल्यू डो बाई डो एक्स जेड एक्स डो बाई डो जेड सारे के वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे और सोल्व करेंगे तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन हमारा जो आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं सो दैट विल बी इक्वल टू एल वाई कैप इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस दिस इज इक्वल टू कॉस डो बाई डो ठीटा माइनस कॉस थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा डो बाय डो फाई ये हमारा एल बाई कॉम्पोनेंट आएगा उसी तरह से हम लोग एल जेड कॉम्पोनेंट फाइंड कर सकते हैं अगेन सो एल जेड कॉम्पोनेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है माइनस आई एच क्रॉस एक्स डो बाय डो वाई माइनस वाई डो बाई डो एक्स तो इसका एक वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू सो so, हमारा वैल्यू यहाँ पे आएगा माइनस ये काफी सिंपल इक्वेशन आता है माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो फाइव तो इस तरह से हम लोग एल एक्स एलवाई एल जेड कॉम्पोनेंट को फाइंड कर सकते हैं सो so, हम लोगों ने तीनों कंपोनेंट्स को देखा एक हमारा इक्वेशन ये आया यहाँ पे ये एल वाई कॉम्पोनेंट के लिए एक आया एल जेड कॉम्पोनेंट के लिए आया फिर ये हमारा एलवाई कॉम्पोनेंट के लिए यहाँ पे आया एलवाई कॉम्पोनेंट एंड देन हम लोगों ने एल एक्स कॉम्पोनेंट फाइन किया यहाँ पे यहाँ पे एल एक्स कॉम्पोनेंट जो था वो था इस तरह से ये ये एलेक्स कॉम्पोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया तो इस तरह से हम लोग सभी कॉम्पोनेंट को हम लोगों ने फाइन कर लिया आ, ये हमारा वाई कॉम्पोनेंट हो गया और ये हमारा एल जेड कॉम्पोनेंट हो गया ठीक है हम लोगों ने कलर कर दिया ताकि जल्दी से हम लोग इसको समझ सकें अच्छे से समझ सकें नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम लोग कि स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है स्क्वायर ऑफ द और बाइटल एंगुलर मोमेंटम तो स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम दैट मींस एल कैप स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स कैप स्क्वायर प्लस एल वाई कैप स्क्वायर प्लस एल जेड कैप स्क्वायर तो सारे के जब वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हम लोग सभी वैल्यूज को पुट करेंगे जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था ऊपर सो so, यह हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वन बाय साइन थीटा डो बाय डो थीटा साइन थीटा डो बाय डो थीटा प्लस वन बाय साइन स्क्वायर थीटा डो स्क्वायर बाय डो फाइ स्क्वायर इस सारे वैल्यूज़ हम जब हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो माइनस वन होता है इसलिए यहाँ पर आई स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है सो एल कैप स्क्वायर का वैल्यू हमारा ये रहेगा तो इसको भी हम लोग अच्छी तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं ये हमारा जो है वैल्यू हो गया एल कैप स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल ऑपरेटर्स जो है जितने टाइप्स के हो सकते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स अब हम लोगों ने देखा और उसके सारे वैल्यूज को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर दिया इसके बाद सबके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज हरमिशियन ऑपरेटर किसको कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखेंगे उसके हडमिशन ऑपरेटर के आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं देन कॉमिटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स तो के ऑल एल्जेबरा क्या है कैसे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं हमारा रिलेशन क्या है डिफरेंट टाइप्स के बीच में और उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें हम लोग डिटेल्स में उसके सारे वैल्यूज के बारे में कैलकुलेशन करेंगे